कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, आज उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर, एग्जांपल 4.10। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रू ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रू स्टेडिली एंड कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड। सर्कुलर ग्रू गिवन और उसकी रेडियस हमें दे दी 12 सेंटीमीटर, क्या ठीक? इंसेक्ट इसमें घूम रहा है, क्या ठीक? कैसे घूम रहा है? स्टेडिली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशंस, 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितनी सेकंड में? 100 सेकंड में। मतलब क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। याद है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? कितने रिवोल्यूशन? 7 अपॉन टाइम 100। तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? पहले निकालनी है एंगुलर स्पीड ओमेगा। मुझे बताओ ओमेगा का फॉर्मूला हम सीखे, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, क्या ठीक? तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7/100, क्या ठीक? 7 विल गेट कैंसल। 22 इंटू 2 44/100, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 0.44 रेडियन पर सेकेंड। यही था यूनिट एंगुलर स्पीड का, ओमेगा इज इक्वल टू 0.44 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड कितनी रही होगी? 0.44 रेडियन पर सेकेंड। और क्या पूछे? एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। लीनियर स्पीड भी निकालनी है, तो लीनियर स्पीड क्या बने? याद करो क्या रिलेशन था लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में। सर्कुलर मोशन होगा तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? v इज इक्वल टू r ओमेगा। r रेडियस कितनी दी? 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। 12 इंटू ओमेगा कितना है? 0.44। तो 12 इंटू 0.44 करें तो मिलेगा आप लोगों को 5.3, करीब करीब बनेगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या ठीक? तो ये मिल गई हमें लीनियर स्पीड 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछे? इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? याद करो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या कांस्टेंट वेक्टर होता है। मान लो कि इंसेक्ट जो है वो ऐसे चल रहा, तो वेलोसिटी इस तरफ रहेगी लीनियर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा? इस तरफ। इस पॉइंट पे निकालें तो एक्सेलरेशन इस तरफ, इस तरफ इस पॉइंट पे निकालें तो एक्सेलरेशन इस तरफ, इस पॉइंट पे निकालूं तो एक्सेलरेशन इस तरफ। तो मुझे बताओ हर जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी? वैल्यू सेम रहेगी मालूम मुझे, मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे टूवर्ड्स राइट। तो हर जगह डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे क्या पूछा? इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? वेक्टर आया है तो डायरेक्शन को ध्यान में लेना होगा। तो हम लिख सकते हैं बी में क्या लिखेंगे? नो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। राइट? नो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या बने? अब निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बने? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? कोई भी लगा दो, वी स्क्वेयर बाय आर लगाएं क्या ओमेगा स्क्वेयर आर लगाएं? कौन सा लगाएं? ओमेगा स्क्वेयर आर लगाते हैं कि कौन सा लगाएं? वी स्क्वेयर बाय आर।
वी स्क्वायर बाय आर लगा, चलो वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। तो वी स्क्वायर बाय आर लगाएं तो वी कितना दिया 5.3 स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 12। ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो रेडियस भी हमने किस में ले ली, सेंटीमीटर में। तो अब हमें आंसर मिलेगा, ये निकालो क्या बनेगा 5.3 स्क्वायर अपॉन 12, ये बनेगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दैट इज 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालनी थी एंगुलर स्पीड, मिल चुकी, लीनियर स्पीड वो भी मिल चुकी, बताना था कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं वो भी हो गया, और क्या लास्ट में निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी मिल चुका। क्या लिखना है तो जल्दी से लिख लो, लास्ट एग्जांपल 4.10 ओवर। अब एक्साइज न्यूमेरिकल्स की मारी, एक्साइज न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ पर पहले इसे आप लोगों को लिख लेना चाहिए। एक्साइज न्यूमेरिकल 4.17, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड। कुछ ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड हियर इज द स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इज द लीनियर स्पीड वी इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड। स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट है, स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट। वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन UCM। इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड, रेडियस हो गई 80 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम 14 रिवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 14/25 हर्ट्स और सेकेंड इनवर्स यू कैन राइट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड अलॉन्ग द रेडियस। हमें मालूम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो डायरेक्शन तो हमें मालूम है, क्या निकाल लेना चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला कौन से थे, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, आर ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला था ना, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा 2πf स्क्वायर इंटू आर, 2 एज इट इज 22/7π, 22/7 फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई 14/25 होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी दी हुई 80 सेंटीमीटर, ठीक। 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, 4 × 22 = 88 upon 25 होल स्क्वायर इंटू 80 करेंगे, क्या निकालेंगे 88 upon 25 होल स्क्वायर इंटू 80, पहले 88 × 88 upon 25 × 25 इंटू 80 करना है, तो ये मिलेगा कुछ 900.991.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना है तो क्या बनेगा 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ठीक। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड टूवर्ड्स
द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या ठीक? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो दो चीज़ें पूछी थी हमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो मैग्नीट्यूड मिला 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल बट अलोंग द रेडियस। तो ये हमें लिखना होगा। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट, आसान था। फटाफट से लिख लो, फिर सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.18। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.18। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विथ अ स्टेडी स्पीड। फिर से कैसी स्पीड दे दी? कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रेडियस दी हुई है 1 किलोमीटर, स्पीड दी है 900 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड, 5/18। क्या ठीक? तो ये हो गया 9 × 2 = 18। तो ये हो गया 100/2, 250 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। कंप्यूट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना मतलब रेशियो निकालना है। पहले निकाल लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्या ठीक? ये किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करूँ क्या बनेगा? 1000 मीटर। क्या ठीक? तो वी स्क्वायर, वी कितना है हमारे पास? 250 स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना दिया हुआ? 1000। क्या ठीक? 250 स्क्वायर अपॉन 1000 करें क्या मिलेगा? ये बनेगा 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है। अब क्या बोले? कंप्यूट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द सेंट विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला हमें 62.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? 9.8। क्या ठीक? तो ये निकालो क्या बनेगा? 6.38। 62.5 अपॉन 9.8 करोगे ये बनेगा 6.38। तो ये मिला हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बोल सकते हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 6.38 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उससे कहीं ज़्यादा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? 6.38 टाइम्स। ये हो गया एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.18। अब एक और न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.19। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.19 करें, उससे पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कौन सा सही कौन सा गलत रीजन के साथ। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। क्या पूछे? नेट एक्सेलरेशन। तो मान लो ये सर्कल अगर स्पीड कांस्टेंट न रही, जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी,
अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ये केस जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बनेगा नहीं। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो हमें एक और एक्सेलरेशन मिलेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ एक और मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ रही है तो अलोंग द टेंजेंट एटी और नेट एक्सेलरेशन कुछ यहाँ पे मिलेगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर तो मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ करेक्ट नहीं है। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज ऑलवेज नहीं चलेगा, इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज फॉल्स। ओनली इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या ठीक? ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही करेक्ट होगा, बाकी करेक्ट नहीं है, इसलिए हमें लिखना होगा फॉल्स। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ अ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। क्या वेलोसिटी हर जगह पे अलोंग द टेंजेंट ही होती है? यस और नो? तो ये सही है, ट्रू। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is always along the tangent drawn at a point on the path. Okay, ठीक। See, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion एवरेज ओवर वन साइकिल इज ए नल वैक्टर। कैसा बोल रहे हैं? द एक्सेलेशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और मैं दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पर इसके लिए एक्सेलेशन टूवर्ड्स राइट, इसके लिए एक्सेलेशन टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या ठीक? ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ले लूँ तो इसके लिए एक्सेलेशन दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हियर एक्सेलेशन दैट इज इन अपर डायरेक्शन। यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ले लूँ तो एसी इस तरफ, इसके लिए एसी इस तरफ चला जाएगा। क्या ठीक? तो हियर दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन इज इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, इसके लिए टूवर्ड्स लेफ्ट तो इसके लिए टूवर्ड्स राइट, इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के लिए अगर एक्सेलेशन का समेशन करूँ तो क्या होगा? जीरो। ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के लिए एक्सेलेशन का समेशन करूँ तो क्या बनेगा? जीरो। सो द एक्सेलेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। क्या बनेगा? एवरेज ओवर वन साइकिल, टोटल साइकिल के लिए हर एक पॉइंट के लिए कंसिडर करूँ तो टोटल एक्सेलेशन क्या बनेगा? जीरो। तो ये सही है, ट्रू। फोर, टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर of a particle
एवरेज ओवर वन साइकिल इज जीरो मीन्स नल वेक्टर, इज नल वेक्टर, सही। सो एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। तो फॉर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एवरेज ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर व्हेन वी कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये करेक्ट है, ट्रू है, ठीक। तो ये हो गए तीनों के आंसर, पहला वाला गलत, दूसरे दोनों ट्रू। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.19। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड जितने भी एग्जांपल और न्यूमेरिकल थे वो हमने करवा दिए हैं। अब आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं, तो आप लोगों के लिए भी होमवर्क देता हूँ, पर उससे पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए। पहले एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.19 लिख लीजिए, फिर आप लोगों को जो होमवर्क में लिखना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.19 हो चुका है, अब आप लोगों की बारी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.23 एंड 4.24, 4.23 एंड 4.24 ये दो न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने हैं आप लोगों के लिए होमवर्क में, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।